मनोज तिवारी 101% दिल्ली की सातों सीटें जाएंगी, लोगों को नौकरियां लगी हैं, सिलेंडर मिले, मकान बने हैं लोगों के, अब के विपक्ष खत्म हो जाएगा, ये एनडीए है ना, अब की योजना में मोदी आ गया, ऐसा काम किया गडकरी ने, बहुत काम किया मोदी की सरकार में तो है। जवाहरलाल नेहरू ने नाश करा देश का, 38,000 हेक्टेयर भूमि जो है अपनी वो उसे दे दी चीन को, अभी ठेके पे चले जाओ, लाइन लगी होगी, महंगाई है, जिसके अंदर काबिलियत है उसके लिए सरकारी नौकरी आज भी है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज हम आ चुके हैं सिबिहार में, यहाँ से दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक मनोज तिवारी जो पिछले 10 साल से भी यहीं हैं, और एक कन्हैया कुमार नए कैंडिडेट हैं कांग्रेस से, हम जनता से राय लेंगे, किसकी बनेगी इस बार सरकार, क्या लगता है कौन जीतेगा? मनोज तिवारी 101% दिल्ली की सातों सीटें जाएंगी बीजेपी को, कोई नहीं पूछता मनोज कुमार को, ये वही है ना यूनिवर्सिटी वाला कन्हैया कुमार, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, बिहार से लाके यहाँ कैंडिडेट बना देना, जमानत जब्त होगी यहाँ, ये बुढ़के नहीं देखेगा, ये बिहार का आदमी थोड़ी चलेगा। हालांकि मनोज तिवारी भी उधर का ही है, 10 सालों में काम किया मनोज तिवारी, वो खूब किया, लोगों को पूरी सहायता मिली, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये वोट मोदी को जा रही है, चेहरा मतलब नहीं रखता, मोदी को वोट जा रहा है, मोदी को वोट जा रहा है, मनोज तिवारी जी उसकी जगह किसी और को भी देते, और इसको तो जानबूझ के दिया है कि ये जीतेगा, 101% जीत इसकी होगी। क्या लगता है बीजेपी इस बार 400 पार का नारा बोल, 370-380 तो जाएंगी, 10-20 सीटों की हेर फेर है वो हो जाएगा, क्योंकि ये चोरी से सीट नहीं ले रहे, ईमानदारी से सीट जा रही है इनको, और जो पेट बीजेपी का कैंडिडेट है ना उसको वोट देगा, ये बीजेपी को वोट जो जाएंगी, ये सातों सीट दिल्ली की जाएंगी, और 400 पार का नारा मोदी ने सही दिया है। क्या लगता है पिछले 10 सालों में काम हुआ है मोदी सरकार? बहुत काम हुआ, बहुत, इतना काम हुआ कि पूछो मत, लोगों को नौकरियां लगी हैं, सिलेंडर मिले, मकान बने हैं लोगों के, खूब काम किया है, ऐसे कहते रहो गालियां देते रहो लोग, कुछ नहीं होता। विपक्ष तो कहता है कि महंगाई चरण सीमा पे पहुंचा दी, खत्म हो जाएगी विपक्ष, अब के विपक्ष खत्म हो जाएगा, ये एनडीए है ना, इनकी जमानतें जब्त होंगी, देख लेना, ये भाग जाएंगे सब, सारे विपक्ष खत्म हो जाएंगे अब के इनकी जमानतें जब्त होंगी, देख लेना तुम, किसी की 2 सीट किसी की 4 सीट आ रही है। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी 400 नहीं 40 पार भी नहीं हो पाएंगे, इनको तेरहवीं करनी है, कहीं कांग्रेस को, कहीं सपा को, कहीं बसपा को, अपनी तेरहवीं करनी है, इनको बरसी करके जाएंगे, खत्म, कुछ नहीं है, मोदी के चेहरे पे वोट जाए, हाँ कोई भी खड़ा हो जाए उसको वोट मिलेगी, इस योजना में आपके तो पक्का है, आगे 29 की हम कहते नहीं, अब की योजना में मोदी आ गया। क्या बीजेपी सरकार सच में धर्म विवाद या फिर जाति विवाद कर, कुछ नहीं काम कर रही है, काम करने वाली है, मलाई सड़कें बना दी, ऐसी सड़कें बना रखी है बाहर के मलाई की तरह जाओ, जब 6 घंटे में पहुंचा था वो 3 घंटे में पहुंच रहा है, ऐसा काम किया गडकरी ने, बहुत काम किया मोदी की सरकार में तो है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है अब तक कोई भी 10 साल में, यूपी तक मेट्रो चला दी थी ने। क्या लगता है बीजेपी आ रही है? बीजेपी पक्का आएगी, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो वोट क्या मोदी के नाम से जाता है? मोदी के नाम से जाता है, उसके कैंडिडेट से ही नहीं जाता, काम तो मोदी करता है ना, आप बीजेपी लेकर लड़ना, आप खड़े हो जाओगे आप जीत जाओगे। लोग एक वीडियो वायरल, महंगाई क्या रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है, महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी, दो दो लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। राहुल गांधी कह रहा है कि हम चुटकी बजा के महंगाई, कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू ने नाश करा देश का, 38,000 हेक्टेयर भूमि जो है अपनी वो उसे दे दी चीन को। अगर महंगाई है, एक भीख मांगने वाले से 500 का नोट तोड़ा लो फट तोड़ा देगा, महंगाई है, अभी ठेके पे चले जाओ लाइन लगी होगी, महंगाई है। फिर केजरीवाल क्या लगता है भैया किसकी सरकार बनेगी? भैया सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मनोज तिवारी हैं और कन्हैया कुमार है, क्या कन्हैया कुमार तो वैसे ही वो बात कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान में रहते हुए भी जाता है, कन्हैया कुमार को जानबूझ के खड़ा किया गया यहाँ से कि मनोज तिवारी को टक्कर दिया जाएगा यहाँ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, आजकल सब पब्लिक समझदार है, सब टीवी देखते हैं, सबको मालूम है कौन क्या करता है क्या करता है। जाता है कि मनोज तिवारी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे वोट ले लेते हैं घर जाके बैठ जाते हैं। नहीं 10 साल अभी मनोज तिवारी को हुए भी कहाँ है, मनोज तिवारी को तो अब 5 साल हुए हैं, अब दूसरे इलेक्शन में अब जीतेंगे मनोज तिवारी, खैर ये तो बात पक्की है, 400 पार तो मुश्किल हो पाएंगे पर जीत जाएगी बीजेपी। रोजगार देने में सक्षम हुई है इस बार बीजेपी सरकार? रोजगारों की कहाँ कमी है, कोई कमी नहीं है रोजगार की, क्या कमी है? लोग कहते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है बीजेपी सरकार। बेरोजगारी नहीं है, हरामखोरी है जी। अब एक बात बताओ, आजकल कितनी सुविधाएं हैं, कोई आदमी अगर जिसमें करने के लगन है वो कुछ भी करके खा सकता है, हरामखोर आदमी के लिए काम नहीं। महंगाई बढ़ी है बीजेपी राज? नहीं महंगाई कहाँ बढ़ी है, जो चीज हमारे बाप दादाओं ने 10 रुपए की खरीदी थी आज वो करोड़ों की बिक्री है, पहले नौकरी करते थे 15,000 में आज कर रहे हैं 25,000 में, तो महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है।
बताया जाता है जब से प्राइवेटाइजेशन इतनी बढ़ी है सरकारी नौकरी की किल्लत सी हो गई है। सरकारी नौकरियां हैं अपनी अपनी काबिलियत में हैं, जिसके अंदर काबिलियत है उसके लिए सरकारी नौकरी आज भी है, कोई ऐसी कमी थोड़ी है। वैकेंसी बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं आती, अगर आती है तो पेपर लीक हो जाता है। ये तो पेपर तो लीक खैर यूपी का हो ही गया है, वो तो सच्चाई है। अच्छा क्या लगता है पेपर लीक हो जाता है सरकार क्या क्यों एक्शन नहीं ले पाती? अब एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है ये तो वो सरकारें जाने, लेकिन ये तो है गलतियां ना, पेपर लीक कैसे हो गया सरकार के अंडर में होते हुए भी और पेपर लीक हो जाए, बच्चे तो बेचारे परेशानी हो गए। बच्चे बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया हमारा एज धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ तो फिर कहाँ कर पाते हैं, फिर वो ऐसे ही पढ़ते ही रहते हैं लगे रहते हैं। लगता है बीजेपी सरकार में नौकरियों की किल्लत हुई है? सरकारी किल्लत तो है, ये तो बात है बीजेपी की सरकार में नौकरियों की किल्लत तो बहुत है। बाकी काम कैसा रहा बीजेपी का? बाकी काम तो ठीक ठाक है उनका, बात बाकी काम तो ठीक। क्या लगता है बीजेपी सरकार बना पाएगी? हाँ बन तो जाएगी, बीजेपी बनेगी तो बीजेपी सरकार। बिहार से पार बोल रही है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन सरकार इनकी ही बनेगी। यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों, क्या लगता है कौन किसको टक्कर दे पाएगा? मनोज तिवारी रहेगा, कन्हैया कुमार कहाँ, कन्हैया कुमार तो वैसे भी लफंडों में आ करके, मनोज तिवारी रहेगा। युवा नेता बताते हैं कन्हैया कुमार अपने आप? अरे वो ऐसे कुमार नहीं, कोई टक्कर नहीं है दोनों? नहीं कोई टक्कर नहीं, मनोज तिवारी आसानी से निकाल ले जाएंगे। हाँ आसानी से निकाल ले जाएगा। बीजेपी आ रही है? बीजेपी आएगी, हाँ बीजेपी आएगी। जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कन्हैया कुमार यहाँ से जमानत भी जब्त हो सकती है, ऐसी हालत है, क्योंकि वोट जो है सिर्फ मोदी के नाम पे जाता है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।